बांग्लादेश में भीड़ ने अब हिंदू आबादी को चुन चुन कर टारगेट करना शुरू कर दिया है। मशहूर सिंगर और कंपोजर राहुल आनंद के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। उनका ये घर 140 साल पुराना था। घर में उनके 3000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे। राहुल ने हिंदू होने के नाते सजा चुकाई है। कट्टरपंथियों की एक भीड़ राहुल के घर में जा घुसी। यहाँ उन्होंने पहले घर में जमकर लूटपाट की और उसके बाद इसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ के घर में घुसने से पहले राहुल अपने पत्नी और बेटे के साथ भाग खड़े हुए। किसी तरह से वो जान बचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनकी पीढ़ियों की जमा पूंजी, घर, जमीन जायदाद सब लूट लिया गया। राहुल आनंद ने जीवन भर सेकुलर होने का रास्ता अपनाया। अपने मुल्क से हमेशा प्यार किया, मगर बदले में उन्हें ये सिला मिला कि उनके अपने लोग ही उनकी जान के प्यासे हो गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं। राहुल आनंद का घर बांग्लादेश की धान मंडी 32 में था। भीड़ ने घर का एक एक सामान पहले लूटा और जो उनके काम का नहीं था उसे तोड़ दिया। राहुल के घर में 3000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, जिनमें से कईयों को राहुल ने खुद अपने हाथों से बनाया था, लेकिन अब पूरा घर जलकर राख हो चुका है। राहुल कितनी बड़ी हस्ती हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ महीनों पहले फ्रांस के राष्ट्रपति खुद उनके घर आए थे और उनके इंस्ट्रूमेंट और आर्ट देखकर हैरान रह गए थे। राहुल आनंद गीत बैंड जोलोर गान चलाते हैं। बांग्लादेश की वो जानी मानी हस्ती हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राहुल का वो घर नहीं एक रचनात्मक केंद्र था। जिन राहुल के घर को जलाकर कट्टरपंथी नाच कर रहे हैं वो लंबे समय तक बांग्लादेश का नाम विदेशों में रोशन करते रहे हैं। उनकी अब तक की पीढ़ियों ने हमेशा बांग्लादेश को आगे बढ़ाने और देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने का सिलसिला बनाया हुआ था, लेकिन आज राहुल का घर जलाकर उन्हें ऐसा सिला दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।